हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आपके सामने जो है क्लास टेंथ वाले जो है मैथमेटिक्स में त्रिभुज त्रिभुज ही बहुत ही कठिन चैप्टर पड़ता है जिसमें कि सवाल जो है ना आपकी समझ में नहीं आता है। बट यहाँ पर हम त्रिभुज का चैप्टर आज लेकर शुरू कर दिए हैं और स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाला है। मतलब आपका चैप्टर का जो रूल होता है वो आपको आज समझ में आके रहेगा, क्योंकि अभी तक आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं था। ये चैप्टर आपकी समझ में अभी आज तक आया नहीं था। और आया क्यों नहीं था ये कारण आपको नहीं पता, क्योंकि कोई आपको समझाने वाला उस तरीके से मिला नहीं जिस तरीके से आपका जो मानसिक विकास हो रहा है उसके हिसाब से सिखाने वाला चाहिए। तो पूरा देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्कशन अधिक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पहुंचते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट हमारा क्या है कि त्रिभुज को हम समझाना है। तो पहले आप एक बात ये मान के चलिए कि त्रिभुज को समझने से पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, अगर कोई आपका एक ये पर्वत है ना, ये पर्वत देख रहे होंगे ना, पर्वत का आकार कैसे दिख रहा है, ऐसे देखिए दिख रहा है ना। तो ये जो पर्वत का आकार दिख रहा है, अगर आप पर्वत का आकार देख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ऐसे आपका पर्वत का आकार दिख रहा होगा ना। तो ये आकार है। अब बताइए इस आकार में इस ये कौन सा आकार हो गया, यही तो हमारा त्रिभुज है। यही हमारा क्या है, यही तो हमारा त्रिभुज है। और यही त्रिभुज जो है ना आपका माप करने के लिए काम आएगा। अब बताइए ये त्रिभुज आपका माप करने के लिए काम आएगा तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का फार्मूला पता होना है, त्रिभुज के रूल पता होना है त्रिभुज के। अच्छा, इस तरीके से ना होकर किसी अदर तरीके से भी हो सकता है, जैसे अगर आप देखना चाहें तो अदर तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये देखिए इसमें इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें देखिए कुछ आपका आकार है। अब दूरी मापने के लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज के बारे में, जिसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी पता लगाना हो तो कैसे हम पता लगेंगे उसके आकार के लिए, बहुत सारे यहाँ पर जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए या तमाम प्रकार के। तो इसको हम नहीं समझते, हम समरूप आकृतियां देखते हैं। क्या देखते हैं, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो देखिए आपको कितने गोले दिख रहे हैं, यहाँ पर एक गोला ये दिख रहा है और एक गोला ये दिख रहा है, एक गोला ये दिख रहा है। तो गोले आपके बहुत दिख रहे हैं, एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे गोले हैं अगर आप देख रहे होंगे तो। एक गोला यहाँ पर है, ओके, एक गोला यहाँ पर है आपका, एक गोला यहाँ पर। अच्छा ये बताइए क्या इन गोलों में फर्क है, आपको क्या इन गोलों में फर्क दिखाई दे रहा है। बोलेंगे सर फर्क तो नहीं है, बस ये छोटा बड़ा है। तो यही आपको समझना है, समरूप का मतलब ये होता है कि रूप में एक तरह हो, किस तरीके से उसका रूप जो हो, आकार जो हो उसी तरीके से हो, परंतु उसका जो माप होती है, उसका जो आयाम होता है, माप उसका एक तरह हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप ये वाला वृत्त देखेंगे अंदर वाला, तो सेम बाहर की तरह बना हुआ है, जैसे जितनी गोलाई उसकी है उतनी गोलाई इसकी भी है। बट इसमें अगर देखेंगे यहाँ बीचों बीच से लेकर त्रिज्या की माप निकालेंगे ना तो दूसरा निकलेगा और इसमें त्रिज्या की माप इतनी बड़ी निकलेगा। तो माप तो डिफरेंसेज है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उसकी आकार है, उसका जो हमारा रूप दिख रहा है एक ही तरह। तो समरूप का मतलब यही होता है जिसको हम देखें रूप में एक ही तरह दिखे, और उसका जो कोणीय मान होता है कोण में भी सेम ही तरीके से दिखेगा, परंतु उसका जो माप होगा, जो लिखित माप होता है उसका, एक दो तीन चार जो कुछ भी माप होगा, वो अंतर होता है। यहाँ पर देखिए आप ये वर्ग देख रहे हो, ये क्या है, एक वर्ग है। ये अंदर वाला वर्ग देखिए सेम बाहर की तरह बना हुआ है, और इसमें जितना कोण यहाँ पर है उतना कोण इसमें भी है, जितना कोण यहाँ पर है उतना कोण इसमें भी है, मतलब कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आकार जो है, रूप जो है, आकृति जो है एक ही तरह है। और यही हमारा बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुज में जो होता है, समान लंबाई वाले भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, समान लंबाई वाले भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर लंबाई समान होती तो वही सर्वांगसम होता, परंतु आकार में बराबर है तो वो समरूप होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आना चाहिए। अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा है तो उसके लिए तो कोई दवा ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो देखिए आपका ये एक त्रिभुज, एक यहाँ पर वर्ग है और एक वर्ग मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, बताइए ये रूप में दोनों एक ही तरह हैं, दोनों एक ही तरह हैं, लेकिन इसमें जो कोण होगा, यहाँ पर जो कोण होगा इसमें, यहाँ पर जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा,
ठीक है, तो इसका जो माप होगा यहाँ पर आपका, इसकी लंबाई, ये जो भुजा इसकी देख रहे हैं, भुजा इसकी 4 है, परंतु इसकी भुजा 2 होगी क्योंकि ये छोटा है। तो लंबाई में तो डिफरेंस है, लेकिन रूप में, समरूप को आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अगर समरूप को नहीं समझे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। जिसकी आकृतियां जो होती हैं समरूप आकृतियां होती हैं, मतलब समझ सकते हैं कि उसका आकार समान होता है परंतु उसका जो आयाम होता है, उसका माप जो होता है वो आपका अलग होता है। इसी तरीके समरूप बहुभुज भी होता है। बहुभुज का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर कोई बहुभुज हो गया, बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं आ सकती हैं इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से आपका एक छोटा बन जाए, इसी तरीके से आपका छोटा बन जाए, तो ये दोनों एक ही तरह है, तो ये समरूप होंगे। परंतु इसका जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, कोण भी एक ही तरह होगा, लेकिन इसकी भुजा की माप, ये देखिए भुजा आपका 4 है तो ये भुजा आपकी 2 ही है, तो ये भुजा की माप जो है वो अंतर पड़ जाएगा। तो ये चीज समझना है आपको। अब समरूपता के लिए हमारी कुछ कसौटियां हैं, कुछ अलग अलग इसके लिए बहुत सारे रूल हैं, तो उस रूल को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, उस रूल को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे रूल में आपका एक होता है, आपका कौन सा रूल, एक होता है आपका ए ए ए, एक रूल होता है ए ए ए। ठीक है, दूसरा रूल होता है यस ए यस, दूसरा रूल होता है यस ए यस। ठीक है, और तीसरा रूल होता है आपका यस यस यस, ट्रिपल यस ट्रिपल यस। दिमाग डालिएगा, जब कभी भी हम ए को बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम एंगल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंगल। एंगल का मतलब हो गया कोण। क्या हो गया? कोण। जब हम एस को बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम साइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साइड। साइड का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा, जो रेखा होता है। तो इस बात से आप सहमत हो जाइए कि आखिर हम क्या बात को बता रहे थे। ठीक है, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको कटेगा ही, मिटेगा भी नहीं भाई, मिट नहीं रहा, मिट नहीं रहा है, हैंग कर जाता है ना ये ऐप जो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें। तो ये चीज समझ रहे हैं ना कि मतलब जब भी हम डबल ट्रिपल ए है तो इसका मतलब तीन, जो तीन एंगल हो उसमें, तीन एंगल जो होगा उसमें हमारा तीनों बराबर अगर होगा तो वो ट्रिपल ए होगा। क्या होगा? ट्रिपल ए होगा। मतलब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर डबल ए उसमें बराबर हो गया तो इसका मतलब इस तरीके से भी हो सकता है। अगर दो एंगल उसमें बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से जब दो एंगल हो तो तीनों एंगल बराबर, इस तरीके से दो भुजा बराबर हो तो एक आपका एंगल उसमें बराबर हो, तब आपका यस ए यस होगा। तीनों भुजाएं बराबर हो तो ट्रिपल यस होगा। मतलब आप बात को समझिए, आराम से समझिए। हमारा या तो यस 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 ही होगा, या तो ए ए ए ए ही होगा, या तो आपका एक उसमें यस होगा तो दो ए ए होंगे, या तो उसमें दो यस होंगे तो एक ए होगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से समरूपता को हम प्रदर्शित करेंगे। इतनी कसौटियां हैं, इसको आपको समझ लेना है। एक बार इसको हम क्या करते हैं, इस ऐप को हम बंद कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपके रूल हैं, इसको देखिए यहाँ पर। मिट नहीं रहा, ठीक है, चलिए रहने दीजिए। इस तरीके से आइए यहाँ पर, ये देखिए दोनों चित्र में किस तरीके से दिख रहे हैं। दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, बस छोटे बड़े हैं। अब इसकी लंबाई जो मापेंगे तो ये छोटी होगी और ये थोड़ा बड़ी होगी, ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो परंतु ये समरूप है। इस तरीके से ताजमहल की फोटो देखो, ये बड़ा ताजमहल है, उससे छोटा, उससे छोटा, परंतु रूप में एक ही है तो समरूप होंगे। आकार में बड़ा छोटा है, बस यही फर्क है। इस तरीके से यहाँ पर समरूपता के बारे में देखते हैं, पूरा का पूरा हम समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए भुजाओं भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं और उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जो भुजाएं हो उसका एक ही अनुपात में होना। भुजाएं एक अनुपात मतलब जितना उसमें हो उसी के अनुपात में हो। अब अनुपात को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अनुपात को अगर हम समझाना चाहें तो आपका इस तरीके से अनुपात होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग, अगर ये 4 है तो सभी 4 होगा, ठीक है, सभी 4 होगा। तो यहाँ पर एक वर्ग और हम बनाए छोटा सा, इसका अनुपात 2 हो। अब बताइए 2 का, इसको हम अगर काटेंगे तो इसमें भी 2-2 आ जाएगा, तो इसमें भी 2 आ रहा है। मतलब इसका अनुपात रूप में निकला, जब काटने पर जो रूल, उसका गुणनफल, मतलब गुणन
एक हो, तब वो आपको माना जाएगा। जैसे आपका यहाँ आयत होता, क्या होता आयत, आयत मान लीजिए ये दो एक होता, ये क्या होता दो एक होता, तो इसको भी आपका इस तरीके से, ये चार और दो होता, क्योंकि काटने पर ये इस तरीके से आता। देखिए, दो एक कम दो, दो दूना चार, दो एक ये भी आ गया। तो अनुपात का मतलब ये होता है उसी अनुपात में होना होना चाहिए दोनों आपका, उसी तो समरूप यही होगा। समरूप को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है। इसको हम कट कर देते हैं उसके बाद हम, क्योंकि ये हैंग कर गया है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम समझा देते हैं पहले, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी सारी चीजें। इसको हम दूसरे ऐप से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं। सीधा हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, यहाँ पर देखते हैं ए समरूपता। इस समरूपता को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें क्या है कि जैसे ये है सेम वैसे ये भी है। चित्रमित को आकार देखिए तो दोनों क्या है, ये सभी समरूप है। क्या है ये समरूप है। क्यों समरूप है आप दिमाग लगाइए, समरूप इसलिए है क्योंकि इसमें आप अगर देख रहे होंगे तो ये दो अनुपाते चार है, ये कितना है दो अनुपात चार है, और इसको भी आप निकालेंगे दो से काटेंगे, देखिए दो दूना चार और दो चौके आठ, दो अनुपाते चार इसको भी आ रहा है, मतलब सेम ही है। आप इसको अगर हम काटें एक दो से तो दो एक कम दो, दो दूना चार, और इसको भी काटेंगे दो एक कम दो, दो दूना चार, एक अनुपाते दो आ गया। इसको अगर हम काटें छा तो ये भी छा, मतलब अनुगुणन हल, मतलब जो गुणन है इसका तो वही है ना। इस चीज को अब यहाँ पर देख रहे हैं 2.5, तो यहाँ पर 2.5 आएगा कैसे, देखिए दो से काटेंगे दो दूना चार, दो पंचे 10, ये सेम ही अनुपात में है। अनुपात इसी को बोलते हैं, जितने में यहाँ पर है उसी के गुणनफल में वहां पर हो, जितने में ये वाली भुजा है उतने अनुपात में ये भुजा हो, जितने में ये भुजा है उतने में ये भुजा होनी चाहिए, जितने में ये भुजा है उतने में ये भुजा होनी चाहिए। इसी को हम समरूप तो बोल रहे हैं कि बस अनुपात उसका इक्वल हो, लंबाई में भले डिफरेंस है लेकिन इक्वल हो। तो ये हम समरूप के आधार पर हम इसको समझ रहे थे, और इसके बाद हम चलते हैं और दिखाते हैं कि आपके किताब में और क्या है सारी चीजें। देखिए यहाँ पर भी समरूपता आपको दिख रही है, बताइए समरूपता दिख रही है, बताइए कौन कौन बच्चे को कंफ्यूजन इसमें होगी। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3.5 है, 3 है और 3.5 है, अब बताइए समरूप दिख रहा है, समरूप दिख रहा है इसमें, समरूप दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि अनुपात इसमें इक्वल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक वर्ग और एक आयत संगत कोण बराबर है परंतु इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं आता, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, ये समरूप आपके नहीं है क्योंकि इनके जो कोण तो बराबर हैं परंतु इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आगे दिखाते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, क्या ये आपको समरूप दिख रहे हैं, ये आपको बताइए समरूप दिख रहे हैं, तो ये आपको समरूप नहीं है क्योंकि दोनों बहुभुज हैं। अब इनके देखिए संगत कोण बराबर नहीं है, इनके कोण जो है बराबर नहीं है, अगर भुजाओं का अनुपात हम अगर बराबर मान ही लें परंतु इसके कोण बराबर नहीं है। इसको देखिए इसमें कोई कोण, यहाँ पर देखिए ये भुजा आपका काटेंगे अगर दो से दो दूना चार, दो एक कम दो, 2.1 आ गया, ठीक है 2.1 आ गया, मान लिए कि भुजा बराबर है, लेकिन इसका कोण तो देखिए ये वाली भुजा का कोण जो है इसमें किसके बराबर है, किसी के बराबर नहीं, तो भुजा भी तो कोण भी तो बराबर होना चाहिए। उसमें बोला गया कि उसका एंगल बराबर होगा, जब समरूप होगा तो एंगल देखना है, एंगल मेन मैटर करता है, समरूप के लिए एंगल जरूर आपको ऐसा होना चाहिए क्योंकि जब उतने एंगल पर होगा तभी तो उसका आकृति एक तरीके से बनेगा। तो ये चीज समझना, यहाँ पर हम अभ्यास पर पहुंचते हैं और पूरा अभ्यास इसको आज हम खत्म कर देंगे, आपके लिए इस अभ्यास को खत्म हो जाएगा ठीक है। और आधारभूत समानता जो परिमेय होता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, पहले आज हम स्टार्ट इसको किए थे।
6.1 है। और इससे पहले हम एक बार आपको रिवीजन करके दिखा देते हैं, आप रिवीजन पूरा देखिएगा समझिएगा, अगर जिसको दिक्कत हो तो वो बता दीजिएगा हमें दिक्कत है। देखिए हम इस तरीके से एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये त्रिभुज, और इस तरीके से एक त्रिभुज बनाए, आप बताइए ये दोनों समरूप है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है ना, ठीक है। जिसको न समझ में बताना, ये एक हमने गोला बनाया और उसके बाद हमने एक गोला यहां पर और बनाया, एक गोला यहां पर और बनाया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाहते तो एक त्रिभुज और बनाते, ये देखिए, ठीक। और ये त्रिभुज बताइए, अगर हम इस त्रिभुज की गणना करें, इस त्रिभुज की गणना करें, ठीक, इस त्रिभुज की गणना करें, बताइए सभी में आकार देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको आप देखिए, अब बताइए, अब जिन बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होगी मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बच्चों लोग कंफ्यूजन अपनी बनाए रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होना चाहिए। और आप समझाते हैं या कि मैटर क्या है। देखिए यहां पर आप इसको देखिए, पहले सबसे पहले देखिए ये वाला जो है आपका, जो यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज मतलब वृत्त जो है, इन वृत्त का तीनों को देखिए, क्या ये समरूप है, बताइए समरूप है ना, समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनका आकार एक ही तरीके से है, और इनका जो हमारा एंगल है, एंगल मतलब कोण, कोण हमारा जो है एक ही तरीके, और जब कोण हमारा एक ही तरीके से हो जाए समझ लीजिए को समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 360 का अंश का कोण बनेगा, क्योंकि 360 अंश का कोण ये भी है और 360 का ये भी है, 360 का ये भी है, एंगल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो तीनों ये समरूप है। परंतु लंबाई इसका अनुपातिक में होगी, लंबाइयां जो होती है किस में होता है, अनुपात में होता है। जैसे ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, मतलब सभी 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, कुछ अनुपात में हो, मतलब उसी के गुणनफल में, उसी के गुणन में हो। अब इसको देखिए, ये हमारा इसकी भुजा जो है, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा वाला है, ये आपका 4 भुजा वाला है, ये आपका 6 भुजा वाला है, तो सभी 2 के गुणनखंड में, 2 दुगुना 4, 2 तीन 6, सभी, और ऊपर से कोण, इसमें 60 अंश का कोण है, इसमें भी 60 अंश का, इसमें क्योंकि अगर तो ये भी समरूप है। इसमें देखते हैं तो ये 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, तो दो एंगल मिल गए, एक एंगल ये देखो, ये एंगल, ये दोनों मिल गए, फिर इधर भी एंगल देखो, इधर तीनों एंगल है, तो हमारा तीनों एंगल जब मिल जाता है तो क्या हो, आज दिमाग लगाइए, तीनों एंगल हो जाता है क्या होगा, जब हमारा तीन एंगल हो जाता है, क्या, जब हमारा तीन एंगल हो जाता है तो ट्रिपल ए हो जाता है, क्या, ट्रिपल ए, और जब हमारा दो साइड मतलब तीनों साइड बराबर हो जाए तो डबल एस, ट्रिपल एस, ये ट्रिपल एस ए और ट्रिपल एस, दो प्रकार के समरूपता हो गई कसौटी आपका। अब इनमें से कोई दो आ जाए, इनमें से कोई दो आ जाए, इनमें से कोई दो का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक आपका एस आ गया, एक आपका एस आ गया, तो यस एस हो गया। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, यस यस ए ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता था, इसको ए एस एस एस, ये तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों एक ही चीजें हैं, मतलब जब दो साइड हो और एक एंगल बराबर हो तब भी समरूपता कसौटी दे सकते हैं। अदर दिखाते हैं, आपका एक यस हो, दो यस ए हो, एक एस हो दो, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल ए ए एस हो, डबल ए ए एस हो, या फिर आपका यस डबल ए ए हो, तो ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब लिखा कौन सा जाएगा आपके ऊपर निर्भर डिपेंड करता है कि आप कौन लिखना चाहेंगे। अधिकतर आपको पता है कि मेनली जो आपका मुख्य रूप से होता है वो आपका ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, ठीक है, ये तीनों आपके होंगे, ये तीनों मेन है, आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, या और आपका ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ भी हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे बने हुए हैं, तो आपके समरूपता की कसौटी रहे। अब आपको पता भी है कि ये जो हमारा डिनोट करेगा एंगल से, एंगल का मतलब होता है कोण, और जो हमारा एस होता है वो हमारा साइड से मतलब रखता है, इसको हम बोलते हैं क्या, साइड का मतलब समझते हैं भुजा, क्या बोलते हैं इसको हम, भुजा या रेखा जो हमारी होती है। तो इस तरीके से हम समझ गए, पूरा मैटर यही था, इसमें का पूरा मैटर यही था, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे शायद, बात समझ में आ गई ना। अब हम चलते हैं आपके अभ्यास पर, आपके अभ्यास पर, समझ सकते हैं ना, चलिए अभ्यास पर चलते हैं, उसके बाद आपको समझ में बातें आ भी जाएंगी, आपको बातें यहाँ पर समझ में आ भी जाएंगी, चलिए अभ्यास पर पहुंचते हैं। ये देखिए अभ्यास है,
तो अभ्यास में पहली सवाल आपके सामने है, पहली सवाल आपके सामने, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये जो कोष्ठक में दिया हुआ है इसी को आपको भरना है, इसी को आपको भर के दिखाना है कि ये क्या सच है कि गलत है, इसी को आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको बताना है, बताइए क्या सही है कि क्या गलत है इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ इसको देखिए, पहले लिखा है कि सभी वृत्त होते हैं क्या, अब बताइए सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, सभी वृत्त, अब बताइए आप वृत्त बनाएंगे, कितने भी वृत्त बनाइए, आप गोला ही कर तो बनाएंगे ना, कितने भी वृत्त बनाइए, आपने अभी यहाँ पर जस्ट देखा नहीं, इसके पीछे आपको देखा है नहीं, इसके पीछे आपको दिखा होगा ना, आप कितने भी गोले बनाइए, यहाँ पर हम कितने भी गोले बनाए, एक गोला, दो गोला, वृत्त हो असल में जब वृत्त हो, तीन गोला छोटा बनाओ, चार गोला, इसी तरीके से, ये वृत्त है गोला नहीं है वृत्त, तो आप बताइए सब क्या है, ये समरूप है सर्वांगसम है, आप बताइए दिमाग लगाइए क्या है, आप बताइए तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर यही मिलेगा कि इसमें हमारा क्या होगा, सर्व समरूप होगा, क्या होगा हमारा, क्या होगा इसमें, समरूप होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्योंकि क्योंकि जो वृत्तों का जो हमारा आकार होता है, वृत्तों का जो रूप होता है वो किस तरीके से होता है, एक ही तरीके से होता है, वृत्तों का रूप जो होता है किस तरीके से होता है, एक ही तरीके से होता है, आप बताइए वृत्त क्या दूसरे, अगर ये हो गया, ये क्या वृत्त है, आप बताइए वृत्त है, ये वृत्त है ही नहीं तो इसका रूप क्यों देखेंगे, इसे मैच क्यों करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो इस तरीके से चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर, किस पर चलते हैं, अगले अभ्यास पर, सॉरी अगले सवाल पर, ये है आपकी दूसरी तीसरी चौथी सवाल है, आप इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांश, अच्छा चलो सभी वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, पहले हम वर्ग एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं वर्ग, देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ग बनाया ये, इसके बाद हमने ये बनाया, इसके बाद हमने ये बनाया, तीन वर्ग हमने बना दिए, अब इसमें बताइए क्या ये समरूप है कि सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब हमने क्या बताया था, अब ये बताइए पहले सर्वांगसम का मतलब क्या बताया गया था, सर्वांगसम आपका क्या हुआ था, उसमें आपका अलग तरीका, अभी सर्वांगसम की हमने यहाँ पर चर्चा ही नहीं की थी, सर्वांगसम की चर्चा हमने कभी अभी इसके पहले की नहीं, अब जब जब हम सर्वांगसम की चर्चा नहीं की तो आप सर्वांगसम कैसे ही पहले सही करने लगेंगे, बताइए सर्वांगसम आपको अभी मैंने बताया ही नहीं तो आप सर्वांगसम कैसे, हमने केवल समरूप बताया, तो आप दिमाग बैठाइए यहाँ पर आपको समरूपता वाला नियम लगाना है, तो ये देखिए सभी समरूप है, ये क्या है समरूप है, तो यहाँ पर भी समरूप होगा, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका समरूप होगा, यहाँ पर आपका समरूप भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपको समरूप भरा जाएगा, और इसमें देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, अब बताइए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज बताइए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर क्या भरना है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बोला जाएगा समरूप होगा, ये बताइए समबाहु त्रिभुज आप किसी भी तरीके से बनाओ, कितना भी छोटा बनाओ, कितना भी बड़ा बनाओ, कितना भी छोटा बनाओ, कितना भी बड़ा बनाओ, समबाहु मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अब एक तो यही नियम समरूपता वाला बोल दे रहा है कि तीनों भुजाओं का मतलब क्या हो गया, यस यस यस, तीनों यस, तीनों यस बराबर, तो इसका मतलब जो भी चित्र बनाएंगे समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, हर बार हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, हर बार तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हर बार जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी इसका मतलब समरूपता पर होगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा समबाहु त्रिभुज, अगर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता उसमें दो भुजाएं बराबर होती, उसमें क्या होती, दो भुजाएं बराबर होती, अब दो भुजाएं बराबर होती तब आपका उसमें से क्या होता कि कुछ चेंजेज हो सकता था, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, इसमें हमें समबाहु त्रिभुज भरना होगा, क्या भरना होगा, समबाहु त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, इसमें समरूप, अब आते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, यदि उनके संगत भुजाएं हो, अब बताइए जब बहुभुज हमने बताया था, बहुभुज जो बताया था, बहुभुज आपकी भुजाओं जो होती, भुजाएं बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है, अनुपात में होगा, लेकिन ये जो कोण होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा, कोण क्या होगा, वो बराबर होगा, तो कोण हमें इसमें बराबर बताना है, ठीक है, तो हमें इसमें कोण बराबर बराबर बताना है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें मिल रहा है इसमें कोण बराबर, तो जैसे कि देखिए इसमें कोण हमारा बहुभुज में, तो कोण इसमें तो बराबर है, ठीक है, उनके संगत कोण क्या है, तो यहाँ पर पहले भरा जाएगा बराबर, दूसरे में उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, बहुभुज के जो भुजाएं होंगी अनुपात में बराबर होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि सेम वहीं पर हो, अनुपात में बराबर मतलब बराबर ही है, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से आप उनका अलग तरीके से, पहले बराबर भरा जाएगा उसके बाद समानुपाती भरा जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले यहाँ पर आपका बराबर भरा जाएगा यहाँ पर आपका, उसके बाद आपका समानुपाती भरा जाएगा यहाँ पर, क्या भरा जाएगा? समानुपाती। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। अब है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न दो भिन्न दो भिन्न सहित उदाहरण दीजिए, दो भिन्न समरूप आकृतियों के ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, उदाहरण इसके लिए देना है आपको दो समरूप। अब बताइए समरूप आकृति की दो दो उदाहरण दीजिए। यार समरूप की दो आकृति आपके पास नहीं है, आप दे नहीं सकते हैं, बताइए कि नहीं दे सकते हैं, ये बोलिए, कौन नहीं दे सकता? हम कह रहे हैं सब दे सकते हैं। देखिए मैं देकर दिखाता हूँ आपके सामने। मैंने बोला वृत्त आप कोई भी बनाओ, वृत्त चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ चाहे जैसे बनाओ, वृत्त तो समरूप ही होता है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज आप किसी भी तरीके से बनाओ, आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है? रूपित होता है। दो हमारा हो गया ना, दो उदाहरण समबाहु त्रिभुज, और क्या हो गया आपका? आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से वर्ग भी दे सकते थे, वर्ग आप कितना भी बनाओ, वर्ग आप कितना भी बनाओ समरूप ही होगा, वर्ग आप कितना भी बनाओ समरूप ही। तो ये सब कोई भी दो उदाहरण दे सकते हैं। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति हमें देना है जो समरूप नहीं है। तो अब आपको एक त्रिभुज दे देना है, एक चतुर्भुज दे देना है, एक आपको वृत्त दे देना है, एक आपको आयत दे देना है। तो इस तरीके से अगला अगला त्रिभुज दे देना है, बस इसी तरीके से एक आपको वृत्त दे देना है, एक आपको त्रिभुज दे देना है। जब समरूप दिखाना हो, यहाँ पर क्या दिखाना हो आपको? जब यहाँ पर समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप नहीं है, समरूप दिखाना हो तो वही आकृति दो। समरूप नहीं दिखाना हो तो एक आकृति दूसरी दो, एक दूसरी आकृति दो। समझ गए बात को? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बचा है तीसरा क्वेश्चन आंसर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका कुछ इस तरीके से, पहले हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर समरूपता का रूल भी है तो उसको हम बाद में बताएंगे। अगला जो अगला आपका अभ्यास होगा प्रश्नावली, वो बहुत मजे से हल करेंगे। पहले ये समझना जरूरी था, अगर समरूपता समझ कसौटी को समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ना अच्छा लगे तो उसको भी डिसलाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, सर वीडियो जरा समझ में नहीं आ रहा, ये सारी कहेंगे, क्योंकि जब आप कहेंगे तभी हम सुधार करेंगे। उसी तरीके से मैं बोर्ड पर बताता था, क्योंकि अभी यहाँ पर सॉरी ठंडी चल रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड पर बताना, बोर्ड पर आता भी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है उसको बताइए, मैं उसको अपने अंदर सुधार लाऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए, तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें बताइए कि चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, क्या बताना है? समरूप है कि नहीं, इसको बताइए, दोनों चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। हम क्या करेंगे इसकी समरूपता की कसौटी को हम चेक करेंगे, जांच करेंगे। समरूपता कसौटी चेक करेंगे, कैसे जांच करेंगे? हम क्या करेंगे, समरूपता कसौटी यही कहती है कि जो भुजा हो वो समानुपाती हो। भुजा, भुजा वाला रूल क्या कहता है? भुजा जो हो वो समानुपाती, क्या हो? समानुपाती हो, भुजा हमारा समानुपाती हो। परंतु कोण जो हो, क्या कोण जो हो वो बराबर हो, कोण क्या हो? वो बराबर हो। ये अगर आप समझ गए तो समरूप का यही रूल आपका होता है, यही रूल आपका होता है, बस आपको यही समझना है। बताइए किसको दिक्कत हो रही है, इसको नहीं समझता है? अब देखिए इसमें हम सब देखते हैं, ये तीन है, ये डेढ़ है, ये डेढ़ है, ये तीन है, मतलब अनुपात तो सही है, समानुपाती है, मतलब एक रूल फॉलो कर रहा है, सेकंड रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अगला रूल जो है, मतलब ये अगर हम फर्स्ट रूल मानते हैं, इसको हम सेकंड रूल मानते हैं, तो दूसरे के रूल पे चलते हैं, दूसर के रूल पर। ये पहला रूल, पहला रूल तो हमारा सही है, दूसरा रूल पर कोण बराबर, इसमें कोण देखिए कितना आपका चौड़ा है, इसमें कोण देखिए 90 डिग्री, इसमें हमारा पता नहीं कितना है आपका, 110 है कि क्या, कोई पता नहीं। तो ये कोण हमारा बराबर नहीं है, 90 हमारा एंगल नहीं है, अगला 90 एंगल नहीं है, ये क्या है, 90 एंगल से क्या है, ये ज्यादा है, 90 एंगल से क्या है, ये ज्यादा है, जो भी होगा ये हमारा कोण क्या है, ये ज्यादा है, ये थीटा कोण हमारा ज्यादा है। और जब ज्यादा है तो यहीं पर हमारा समरूप नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ये जो है सम जो हमारा दोनों चतुर्भुज है, ये हमारा समरूप नहीं है, क्या है? ये समरूप नहीं है। ओके, कारण हमने बता दिया, कोण बराबर नहीं है। तो ये हमारा अभ्यास हो गया। अगला अभ्यास हमारा आएगा क्या, जो कि आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। अगला अभ्यास हमारा कुछ इस तरीके से थर्स का नियम आएगा, थर्स के नियम को बताएंगे, जो समानुपातिकता का इनका नियम है इनको पढ़ाएंगे, उसके बाद को हम सवाल आपके सामने लगा के दिखाएंगे, और आपको मजा भी आ जाएगा, आपको आने भी लगेगा, और जरूर आप इसमें मार्क बाकी रहेंगे। बस आप अगली अभ्यास को आप अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपने अगली सवाल को, अगले अभ्यास को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने काम कर लिया, अगले अभ्यास को पूरा अच्छी तरीके से पढ़िएगा।
बहुत जल्दी वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर कठिन पड़ रहा है, कठिन को प्रीति स्टेबल और आतंक स्टेबल सभी लेकर के आएंगे बाई बाई सेवन में। तो प्लीज सपोर्ट करिए, जो भी बच्चे हों हाई स्कूल में, जितने बच्चे अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए कि यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें बताते हैं, एकदम कैलकुलेशन से बेसिक तरीका एकदम सब एकदम आराम से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए इजाजत और हमारे टेक्नो प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का, प्लीज उसको सपोर्ट करिए, वहाँ पर वीडियो भी हम डालते हैं, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या तमाम प्रकार की कुछ हर दिन की अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जरूर उसको भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपका वहाँ पर भी सपोर्ट मिले। ओके, थैंक्स।